आप कारोबार कर रहे हो पर उसका प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि आपकी ड्यूटी में आशीष क्यों नहीं, कि आपके काम में बरकत क्यों नहीं। सबु देशों की किताब में लिखा है कि दुख के दिन सोच, आपने अपने परिस्थितियों के जरिए सोचना। अगर आपके गली मोहल्ले के लोग आपसे नाराज हो गए, आपके मित्र दोस्त आपसे बात नहीं कर, आपके परिवार के रिलेटिव आपसे भाईचारा आपसे बात नहीं कर, परमेश्वर आपसे कुछ ना कुछ किसी के जरिए कहना चाहता है। अगर हम शाऊल के बारे में पढ़े, पहला शमूएल 28 अध्याय उसकी 15 है, पहले शमूएल की किताब में 28 अध्याय, देखिए शाऊल क्या बोल रहा है, पढ़िए 15-16 है। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं क्योंकि पलिश्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझको छोड़ दिया, और अब मुझे न तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और न स्वप्नों के, इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। देखिए शाऊल क्या कह रहे हैं, पहले तो परमेश्वर मेरे साथ नबियों के जरिए बात कर लेता, सपनों के द्वारा बात कर, पर आजकल ना तो नबियों के जरिए मुझसे बात कर रहा है, ना सपनों द्वारा मुझसे बात कर। यानी कि शाऊल कह रहा है, मैं इतने संकट में पड़ा, कई बार परमेश्वर पहले 6 तरीकों से अगर आपसे बातें नहीं करते या आप उन तरीकों को समझते, जब सेवक आपको बोलते हैं तो आप समझते, परमेश्वर सीधे बात करते हैं आप समझते, सबके दर्शन दिखाता है तब आप समझते, वचन के द्वारा आप नहीं समझते, उपवास प्रार्थना आप करते हैं। तो परमेश्वर का लास्ट तरीका आपके लिए क्या है, आपकी परिस्थितियों को ऐसा बना दे कि आपको सोचने पर मजबूर होना। कितने लोगों को हमने देखा जब वो किसी भी तरीके से नहीं समझते, जब परमेश्वर उनको संकट में डालता, वो कहते पास्टर जी मेरा तो कारोबार, कारोबार से परमेश्वर को क्या फायदा था, आप ना तो ऑनलाइन मैसेज, ना संडे चर्च में आते, ना प्रभु के नाम का हिस्सा निकलते, आपने कभी प्रार्थना में समय दिया, कभी आपने वचन सुना, लोगों ने जो आपको सलाह दी उस पर अमल किया। कई बार लोग जब बिल्कुल संकट में पड़ जाते हैं, उनका कारोबार बिल्कुल ठीक नहीं चलता, चारों तरफ से उनके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, उनके काम सारे रुक जाते हैं, फिर वो सोचने पर मजबूर हो, जब उनका घर टूट जाता है, पति पत्नी में मनोमुटाव बढ़ जाता है, जब उनकी इधर उधर की बातें शुरू हो जाती है, जब उनकी इधर उधर की बातें जो है शुरू हो जाती है, तब वो सोचते हैं कि पता नहीं हमसे क्या गलती हो, फिर परमेश्वर से बात करते हैं। परमेश्वर आपके शरीर के लिए भी आपसे बात कर सकते हैं, मान लीजिए आपका शरीर बार बार बीमार रहता है, आप एक दिन ठीक रहते 2 दिन बीमार रहते, आपके परिवार का जन एक दिन ठीक रहता है दूसरे दिन फिर बीमार, सोचिए परमेश्वर आपसे बात, अदरवाइज परमेश्वर अपने बच्चों को बीमारी के बिस्तर पर डालकर खुश नहीं। हो सकता है परमेश्वर आपसे बात करना चाह रहा हो कि आप प्रार्थना नहीं करते, या वचन नहीं पढ़ते, या ऑनलाइन मैसेज नहीं सुनते, प्रभु के सेवकों की बातों को नहीं मानते, या प्रभु के नाम का हिस्सा नहीं, या प्रभु भोज नहीं, यानी कि परमेश्वर किसी ना किसी से बात करना चाहता है। एक समझदार विश्वासी जो होता है उसकी परिस्थितियों से वो जान लेता है कि परमेश्वर उसे क्या बात करना चाह रहा है। अगर आपके आस पड़ोस की परिस्थितियां आपके विरोध में, आपका शरीर आपका साथ नहीं, आपको कारोबार गड़बड़ में, आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया, लोग आपके विरोधी बन रहे, शरीर आपका बीमार है, समय लेना परमेश्वर आपसे गुस्से में, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहते, आपको समझना चाहिए। देखिए जब से मार्च से ये कोरोना इंडिया में फैला है, 2-3 महीने लॉकडाउन, ये परमेश्वर सिखा तो, और वो उसे बात ही कर रहा है,
करने के लिए आ जाओ। परमेश्वर उन लोगों को यही तो बता रहा है कि दो तीन महीने तक लोगों को घर पे बिठा रहा पूरी दुनिया में लोग लाखों लाखों लोग मारेंगे। परमेश्वर का इशारा परमेश्वर लोगों को बता रहा है कि तुम मुझे क्यों भूल गए, तुम मेरे नाम से प्रार्थना क्यों, तुम मेरी शक्ति को क्यों भूल। जे लॉकडाउन पूरी तरह खुल भी जाता है, कोरोना मान लो खत्म भी हो गया, क्योंकि अब परमेश्वर के हाथ में और बीमारी नहीं। अगर लोग या दुनिया ना समझे, परमेश्वर की तरफ ना मुड़े, सच्चाई ईमानदारी की तरफ ना मुड़े, परमेश्वर के पास तो होने को बीमारियां हैं, वो तो फिर कभी भी कोई बीमारी भेज सकते। बेशक ये बीमारी 102 साल के बाद आई, अब भी आप उम्मीद ना करो कि 2 साल भी बीत जाए, समय तो 2 महीने ही बीत जाए, ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर के हाथों में तो अनेकों बीमारी, वो तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए अपने जीवन की परिस्थितियों को जान आप सकते हैं कि क्या ये परिस्थिति मेरे ऊपर ऐसी क्यों आई है। ये लॉकडाउन जो लगा है, परमेश्वर आपको कहा घर में बैठो, प्रार्थना में रहो, वचन में बढ़ो, रोजे में बढ़ो, पवित्र जीवन जियो। जो आप पहले कहते थे दुकान बिना खोले गुजारा नहीं चलता, ये नहीं कहते कि ड्यूटी के बिना जाए गुजारा नहीं चलता। पहले आप कहते थे ड्यूटी से छुट्टी नहीं, देखिए परमेश्वर ने आपको पूरे 3 महीने छुट्टी, वो आपको बताना चाह रहा है, परिस्थिति ऐसी बनाना चाहिए कि वो आपको बता रहा है। आपको आपके हक में दिखाई देगी, आपकी ड्यूटी ठीक चल रही है, आपका कारोबार ठीक चल रहा है, आपके ऊपर कर्जा नहीं, लोग आपके पक्ष में, लोग आपसे प्रेम कर रहे हैं, शरीर भी आपका ठीक है,
गद ही के जरिए बिलाम से बात कर रहा है, यानी कि परमेश्वर बात करता है। अगर हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय की 7 में देखें, यहाँ पर लिखा है कि आत्मा कलीसियों से क्या कह रहा है, आज भी आत्मा कलीसियों से बात कर रहा है। अगर हम प्रकाशित वाक्य 3:6 में देखें, और भी काफी जगह पर लिखा है आत्मा जो है कलीसिया से बात करता है। परमेश्वर आज भी आपसे बात कर रहा है। अगर आप उससे बात करना चाहते हैं तो परमेश्वर आपसे बात करने को तैयार है। पर ये चुनाव परमेश्वर का है कि परमेश्वर किस जरिए आपसे बात करता है। वो चाहिए आपसे सीधे भी बात कर सकता है, अगर वो आपसे चाहे तो सीधे भी बात कर सकता है। परमेश्वर अपने सेवकों को आपके घर में भेजकर आपसे बात कर सकते हैं, या सेवक लोग आपको बुलाकर कोई बात समझा सकते हैं, या सेवकों से कभी आप सलाह लेते तो परमेश्वर सेवकों के जरिए आपसे बात कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया? तीसरा तरीका अपने स्वर्ग दूतों को भेजकर भी बात कर सकता है। जैसे स्वर्ग दूतों के हमने सीखा कि कितने लोगों से उसने बात करी, स्वर्ग दूत आज भी आकर आपसे बात कर सकते हैं। पर स्वर्गदूत किसी भी रूप में आ सकते, जैसे आपको बताया कि बिलाम की गदी ने स्वर्गदूत के जरिए गदी ने बिलाम से बात करी। हो सकता है आपके घर के सामने कोई कुत्ता डॉग खड़ा है, हो सकता है परमेश्वर का दूत उसके जरिए आपसे बात करे, कोई आपके घर में भिखारी आ गया, हो सकता है परमेश्वर उसके जरिए आपसे बात करे, हो सकता है किसी ने आपसे हेल्प मांगी, किसी ने आपसे रोटी, परमेश्वर उसके जरिए भी तो आपसे बात कर सकता है। मैंने आपको बताया था आपको संतों के जरिए परमेश्वर बात कर सकता है। चौथा बताया था परमेश्वर अपने वचन के जरिए भी बात कर सकता है। वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, जब आप वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, परमेश्वर उस तरीके से भी आपसे बात कर सकता है। पांचवा मैंने आपको बताया उपवास प्रार्थना के साथ भी परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। जब आप उपवास में बैठे हो प्रार्थना करते हो, परमेश्वर उस तरीके से भी आपसे बात कर सकता है। मैंने आपको बताया सपने दिखाकर, दर्शन दिखाकर भी आपसे बात कर सकता है। और सातवां तरीका आपको बताया परिस्थितियों के जरिए भी आपसे बात कर सकता है। परिस्थितियों को समझा करो, परमेश्वर परिस्थितियों के जरिए भी आपसे बात कर सकता है। आपके घर की जो परिस्थिति है उसके जरिए भी आपसे बात कर सकता है। याद रखिए आपके छोटे बच्चों के जरिए भी परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। कई बार हम बच्चों की बातों की ओर ध्यान नहीं लगाते, कई बार हम अपने बुजुर्गों की बातों की ओर ध्यान नहीं लगाते, बुजुर्गों के जरिए भी परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। कई बार परमेश्वर हमारे पड़ोसियों के जरिए हमसे बात कर सकता है। इच्छा है वो किस जरिए आपसे बात कर रहा है। सो परमेश्वर से प्रार्थना किया करें कि परमेश्वर से बात करे। मेरा विश्वास है कि आपने परमेश्वर के बात करने के 7 पॉइंट्स को बड़े अच्छे ढंग से सीख लिया। हो सकता है किसी और ऊपर किसी और भी जो है भेद प्रकट हो, पर मुझे जो बाइबल पढ़ने के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा जो परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया, मैंने आपके सामने 7 तरीके और मैं विश्वास करता हूं इस वचन के लिए आपने बड़ी आशीष होगी, परमेश्वर ने आपसे बात करी होगी। लास्ट प्रार्थना की ओर, सब जन अपने अपनी जगह पर अपनी अपनी आंखों को बंद कर ले। परमेश्वर ने अगर आपसे बात करी है, परमेश्वर के सामने आप कबूल कर लिए, परमेश्वर आपने अपने वचन के जरिए मुझसे बात करी, आपने पहले भी मुझसे बात करी, मैं समझा नहीं करता, पर आज मुझे पता चल गया कि आप किन किन तरीकों से बात कर रहे हैं। परमेश्वर मुझसे गलती होगी, मुझसे चूक होगी, मुझे क्षमा कर दो, परमेश्वर आपको निश्चय क्षमा कर, परमेश्वर आप
आपने आज की सभा को अपने हाथों में लेकर चलाया, आपका धन्यवाद। ओ प्रभु जी, आपने आराधना को अपने हाथों में लेकर चलाया, आपका धन्यवाद। आपने हमें दास दास से बात करी, धन्यवाद। परमेश्वर आपने अपने लोगों को सात तरीके बताए, अपने लोगों से बातचीत करें। होने दे पिता परमेश्वर, जब तेरे बच्चों ने सात तरीके तेरे दास दास तरीके सीखे, आप उनको और अच्छे ढंग से सिखाए ताकि हम तेरी बात को और अच्छे ढंग से स्पष्टता से सीख सकें, ताकि पिता परमेश्वर आप हमसे पल पल में बातें कर सकें। लोगों से भी बातें किया परमेश्वर, आप अपने प्रत्येक जनों को आशीष दी, ये वचन सब की जगह में सौ गुना करके फल लाए, ताकि दुनिया से सलाह ना लेते हुए बल्कि आपसे सलाह लिया करें। और परमेश्वर जी, अपनी समस्याओं के लिए तुझसे पूछा करेगा, आप ही इनसे बातें किया करें, आप हम सबके जीवनों को ऐसा बना दे। आप पिता परमेश्वर हमारे जीवनों के इस तरीके से बना दे, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरे वचन के द्वारा खुदा तेरे से बातें कर सकें, ताकि पिता परमेश्वर इन तरीकों से आप हमसे बातें कर सके। आप अपने संगत को, अपने सुनने वाले लोगों को बहुताय से बरकत दे, तेरे लोग एक कान से वचन को सुनकर दूसरे कान से निकालने वाले का बने, जड़ पकड़ता जाए, ताकि पिता परमेश्वर तेरे लोग को बड़ा करे और प्रार्थना में बढ़े। अगर कोई भी बीमार है खुदा यीशु के नाम में वो चंगाई पाए, अगर कोई परेशान है खुदा यीशु के नाम में वो शांति पाए, अगर रिश्ता नहीं हुआ तो यीशु मसीह के नाम अच्छा रिश्ता, अगर किसी के घर में बच्चे की आशीष तो बच्चे की आशीष आ जाएगा, घर नहीं तो अपना घर मिल जाएगा, अगर किसी का कोर्ट केस चला तो कोर्ट केस हल होने में सहायता करो प्रभु, किसी बच्चे का विदेश का वीजा नहीं लग रहा, अगर आपके साथ सही चल रहा तो आने वाले दिनों में विदेश का वीजा लगने में मदद करो। अगर किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति नशे में है, शराब पीता है, तो नशे से शराब से बिल्कुल आजाद कर दो प्रभु। अगर किसी ने तोबा करके डुबकी का बपतिस्मा नहीं लिया तो आने वाले दिनों में उनको तोबा करके डुबकी का बपतिस्मा लेने में, प्रभु भोज लेने में मदद करो। सारे सुनने वाले प्रत्येक जनों को और प्रेटाओं की सारी संगत को बड़ी आशीष दो, सारे हमारे गली मोहल्ले को, लुधियाना को, पंजाब को, हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को, संसार को आशीष दो प्रभु। सब जगह पर जितने सेवा करते हैं परमेश्वर को बहुत आय से दुनिया में जो कोरोना वायरस का कैद फैला हुआ है, एक बार खुदा यीशु के नाम में इनको वापस बुला लो पिता, इस बीमारी को पिता परमेश्वर एक बार वापस बुला लो। बेशक हम मानते हैं दुनिया में पाप बढ़े, दुनिया में बुराई बढ़ी है, बेशक हम दुनिया में मानते स्वार्थ बढ़ा है, घमंड बढ़ा है, शायद पिता परमेश्वर इसलिए आपका गुस्सा इस पाप के लोगों पर भड़का है, इसलिए आपको कितने लोग इस संसार में बोझ लगने लगे, फिर भी पिता परमेश्वर ये प्रजा, ये लोग चाहे किसी भी धर्म जाति के लोग हैं, परमेश्वर आपके ही बनाए हुए हैं, वो पिता परमेश्वर एक बार सबको क्षमा कर दे, बीमारी को वापिस बुला ले पिता, सब जगह में सुख शांति हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे मंत्रियों को बड़ी बरकत और बुद्धि कर दो बेटा, ताकि बड़े छिड़ंग से इस देश को चलाने पाए, आगे बढ़ा सके, हमारे पंजाब लुधियाना को बड़ी आशीष दो बेटा, सारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को, सारे मेडिकल स्टाफ को, सारे मीडिया कर्मियों को, सफाई कर्मियों को बड़ी बरकत दो पिता,
किंगडम को आशीष दो पिता, सब लोगों पर हो जाए, तेरी बरकत सब लोगों के ऊपर हो जाए, तेरे लोग तेरे वचनों में तेरी प्रार्थना में बढ़ते जाए, और तो महसूस हो कि खुदावंद हमसे बात कर रहा है। आपकी इच्छा प्रभु जी, वीरवार को फिर से ऑनलाइन सर्विस होने में, मैसेज देने में आप अपने लोगों से बातचीत करने का मौका दीजिए। आपने दुआ को सुन लिया, धन्यवाद प्रभु जी, आपने दुआ को सुन लिया। प्रार्थना को परमेश्वर आपके प्रभुता हम सबके मुक्तिदाता खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं। आज के वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत बरकत, शांति की कामना करते हैं, आपकी शांति की कामना करते हैं। आमीन।